गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी है मशरूम एक्टिविटी। तो आज हम मशरूम बनाएंगे। तो उसके लिए हमको चाहिए वाइट शीट, इस तरह से रेड पेपर जो इस शेप में कट होना चाहिए, और कुछ मैंने जो है वाइट पेपर से इस तरह से सर्कल्स को कट कर लिया है, ये स्मॉल स्मॉल सर्कल्स, और हम क्रेयॉन्स यूज़ करेंगे इसमें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ड्रॉ करेंगे इस तरह से मशरूम का बेस, ग्रीनरी। ठीक है, तो अगर आपके पास इसके कलर्स के पेपर्स हैं, जैसे ग्रीन कलर का मैंने ग्रीनरी बनाई है, नीचे ग्रास बनाई है, अगर आपके पास ग्रीन कलर का पेपर है तो आप सिंपली उसको कट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरह मेरे पास ब्लू बैकग्राउंड लगाया है मैंने, उसको मैंने कलरिंग की है। अगर आपके पास पेपर है तो आप पेपर भी लगा सकते हैं, और जिनके पास शीट्स नहीं हैं वो क्या कर सकते हैं, सिंपली कलर्स कर सकते हैं, क्रेयॉन कलर जो है बच्चों से करवा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मशरूम का बेस जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट हमें चाहिए रेड शीट। अगर आपके पास रेड शीट नहीं है तो इसी तरह सिंपली आप वाइट शीट लीजिए, इस साइज़ में कट करके बच्चों से कलरिंग करवा लीजिए। तो इस तरह से आपके पास रेड शीट हो जाएगी। अब क्या करना है, हमने रेड शीट को कॉर्नर से इस तरह से टर्न करना है। देखिए, इस तरह से सिंपली कॉर्नर से मैंने टर्न किया है। अब ये यहाँ से फोल्ड हो गए हैं दोनों। अब नेक्स्ट हमने इसको टर्न करके मिडल से आप थोड़ा सा इसको पुश कर लेंगे, और फिर यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो है सिंपल, हमने सिर्फ ये चीज़ पेस्ट करनी है, पूरा पेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा ये उठा हुआ लगे, ताकि इसलिए हमने मिडल को पेस्ट नहीं करना, सिर्फ साइड से जो हमने फोल्ड किया है सिर्फ उसको पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा। अब मैंने जो सर्कल्स काटे थे वाइट कलर के स्मॉल स्मॉल, उनको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस तरह से। और अगर आपके पास वाइट पेंट है तो वाइट पेंट यूज़ कर सकते हैं, वाइट नेल पेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं, और वाइट कलर के क्रेयॉन्स भी आते हैं आजकल, जो सिल्वर में होते हैं आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मशरूम एक्टिविटी जो है आपने बनानी है। आप कलरिंग यूज़ कर सकते हैं, पेपर्स हैं तो पेपर्स यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द क्राफ्ट फॉर टुडे। होप यू एंजॉय इट। थैंक यू।